मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे हो। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो आज मैं सुबह 11 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट हो चुका है, ब्रेकफास्ट में लिया था पूरी भाजी, तो अभी मैं लंच बनाऊँगी। लंच में आज मैं बना रही हूँ लाल साग, और बनाऊँगी मैं एग का एक डिश सरसों से, और दाल मेरा कल का बना हुआ है तो हो जाएगा इसलिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एग का वो स्पेशल डिश बनाना, भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। तो मैंने सारा प्रिपरेशन कर लिया है एग के जो रेसिपी है उसके लिए। ये देखिए, मैंने एग बॉयल कर लिया है और सारे एग को साइड साइड से थोड़ा सा चीरा लगा दिया है ऐसे चाकू से, ताकि जब पकाए तो मसाला अंदर तक जाए इसलिए। और ये डिश बनेगा सरसों के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये देखिए सरसों को ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से पेस्ट बना लिया है इसका एक। इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाल दिया एक साथ, और हरी मिर्च और सरसों का एक पेस्ट मैंने बना लिया है। ये कितना पेस्ट आपको बनाना है ये आपके अंदाजे से बनाना, क्योंकि जितना आप एग लोगे उस हिसाब से बनाना। मैंने यहाँ पे सरसों का पेस्ट करीब बिग 3 टेबलस्पून होगा ऐसा बनाया है, ठीक है। तो अभी मैं दिखा देती हूँ कि कैसे इसका प्रोसेस करना है आपको। पहले एग बॉयल कर लेना है और सरसों का पेस्ट बना लेना है, बस उसके बाद तुरंत ये डिश बन जाता है। बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई करना इसको। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक एल्युमिनियम का बाउल लिया है, इसमें मैं ये डिश को बनाऊंगी। आप कोई भी टाइप के टिफ़िन बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सरसों का पेस्ट बना के रखी थी उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पानी भी इसमें मैं डाल रही हूँ। अभी इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, और दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पे हरी मिर्च यूज़ की हूँ इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं करूँगी। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने प्याज और लहसुन को छोटा छोटा करके कट कर लिया है, तो उसी को मैं इसमें डाल दूँगी। एकदम बारीक काट के मैं डाल रही हूँ, और अभी मैं इसमें डालूँगी टमेटो और हरी मिर्च। यहाँ पे मैं पहले सरसों का ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये डिश सरसों के ऑयल में ही बनता है, मस्टर्ड ऑयल में, तो आप यही यूज़ करना, तभी इस डिश का अच्छा फ्लेवर आएगा और ये डिश परफेक्ट बनेगा। अभी इसमें मैं जो बॉयल किया हुआ अंडा है उसको ऐड कर रही हूँ। इसको एक बार मिला दूंगी अच्छे से। और अभी मैं इसमें बड़ा बड़ा मोटा मोटा काट के टमेटो ऐड कर रही हूँ, और ऐड कर रही हूँ 2 ग्रीन चिलीज। तो ये रेडी हो गया है। अब चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। गैस ऑन कर दिया मैंने, एक कढ़ाई बिठा रही हूँ मैं, और इसमें रख रही हूँ एक स्टैंड। अभी इसमें पानी डाल दूंगी, तो थोड़ा ज़्यादा करके पानी डालना आप। ऐसा भी मत डालना कि ये जो आपने बाउल लिया है वो पूरा डूब जाए, उसका आधा तक पानी आए इतना पानी आप डालना। अभी देखिए, ऐसे मैंने इस बाउल को बिठा दिया है इसमें, और अभी इसको ढक के मैं 15 मिनट इसको पहले होने दूंगी। तो देखा आपने एग का कितना इजी एक रेसिपी मैंने आपको दिखाया, बहुत ही टेस्टी होता है ये खाने में, आप ज़रूर ट्राई करना। तो जैसे आप ढक के कढ़ाई को बिठाओगे ना, तब पहले इसका फ्लेम पूरा फुल फ्लेम कर देना, जब पानी बॉयल होने लगे तो फ्लेम को धीमा करके छोड़ देना। तो 15 मिनट के करीब इसको ऐसे रखना, तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना। तो मैं अभी इस तरफ एग बिठा दी हूँ, और दूसरी तरफ मैं अभी थोड़ा लाल साग बनाऊँगी। तो लाल साग सिंपल ऐसे ही बनाऊंगी, लहसुन मैंने थोड़ा छोटा छोटा करके काट लिया है, तो ऑयल में लहसुन को डाल के उसके बाद लाल साग डाल दूंगी, और एकदम सिंपल सा बनाऊंगी। इसका रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ,
तो मैं आपको थोड़ी देर बाद एग करी का फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूंगी, दिखाती हूँ कि ये कैसे बन के आता है। तो एक तरफ मेरा ये एग का रेसिपी बन रहा है, डिश जो एग का है वो बन रहा है, और दूसरे तरफ मैं दूसरी कढ़ाई में लाल साग बिठा रही हूँ। तो मैंने थोड़ा ऑयल लिया, उस पर लहसुन थोड़ा सा छोटा छोटा काट के छौंक लगाया, और उसके बाद मैं लाल साग को इसमें डाल दिया। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, दो हरी मिर्च काट के डालूँगी, और फिर इसको अपने आप होने दूँगी। बहुत ही सिंपल मैं लाल साग की रेसिपी बना रही हूँ। तो एक तरफ मेरा लाल साग बन रहा है, दूसरी तरफ मैं चेक कर लूँगी कि मेरे एग करी कितना तक पका है। तो ये देखिए, 15 मिनट बाद ढक्कन को हटा के मैं फिर से एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप 15 मिनट बाद एक बार चेक कर लेना कि ये कहाँ तक पका है, और उसके बाद फिर से ढक के और 15 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, आँच धीमा करके रखूंगी। नेक्स्ट 15 मिनट्स बाद मैं फिर से ढक्कन को हटा रही हूँ, और अभी देख लूंगी कि ये मेरा बन चुका है कि नहीं। तो मेरा ये डिश परफेक्टली बन चुका है, सब कुछ अच्छे से पक गया है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको फिर से एक बार मिक्स कर रही हूँ, और ये बिल्कुल रेडी है। देखा आपने, मैंने गैस ऑफ कर दिया है, ये डिश बन चुका है। आधा घंटा इसको होने में लगता है, क्योंकि ये उसी स्टीम पे अंदर सब कुछ पकेगा, प्याज लहसुन सब कुछ। तो आप बीच बीच में इसको चला देना और चेक कर लेना, जब देखेंगे कि सब कुछ अच्छे से पक गया है, बॉयल हो गया है, तब आप इसको ऑफ कर देना। तो इसका इतना अच्छा अभी स्मेल आ रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मतलब आप ऐसे ही बनाओगे ना तो मतलब बार बार बनाने का मन करेगा, इतना टेस्टी ये डिश है। तो देख लिया आपने, इसका रेसिपी मैंने शेयर किया, ज़रूर आप ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। तो मेरा लंच प्रिपेयर करीब करीब हो चुका है, साग भी मैंने बना लिया है, ये भी बना लिया है, दाल है तो उसको गर्म कर लिया है, बस हो गया मेरा। तो अभी मैं किचन विचन साफ करके बाकी का काम करूँगी और फिर शावर ले लूँगी। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं अभी कपड़े डाल रही हूँ जो मैंने धो के रखा था। तो मैं तुरंत के तुरंत सारे काम करती रहती हूँ, ताकि कोई भी काम जम के ना रहे, क्योंकि तब ना प्रेशर भी उतना नहीं होता काम का, और जल्दी जल्दी सब कुछ हो ही जाता है। तो इसीलिए मैं साथ के साथ सारा काम करती रहती हूँ। तो अभी मैं पूजा करने के लिए आई हूँ, और ये रहा मेरा छोटा सा मंदिर। मैंने उतना तामझाम नहीं किया है, रेंट का हाउस है, इसलिए मैंने छोटा सा एक मंदिर रखा है, यहीं पे मेरे भगवान जी रहते हैं। तो अभी मैं थोड़ा धूप दिखा रही हूँ, और मैं घर पे भी थोड़ा धूप दिखा देती हूँ इस टाइम पे। अभी मेरा पूजा करना हो गया, तो मैं आ गई हूँ, और थोड़ा रेडी होके फिर लंच करने के लिए जाऊंगी। मैं अभी लंच के बाद डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ। लंच हो चुका है मेरा, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा रेस्ट करूँगी। और आपको मेरा वीडियोस कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तब तक अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मिलती हूँ आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।